स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में एक सनातन सिद्धांत समझाते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित, और जो मरता है वही जन्मता है। तो जो अपरिहार्य है, अपने वश में नहीं है, उस विषय में चिंता मत करो, न तुम शोचितुम अर्हसि। इस श्लोक के बारे में हमने कुछ चिंतन किया, आज और कुछ विशेष चिंतन करते हैं, क्योंकि बहुत उपयोगी सिद्धांत है। जगत की नाशशीलता, गुरुदेव श्री महंत स्वामी जी महाराज सत्संग दीक्षा नामक ग्रंथ में लिखते हैं, प्रत्यहम अनुसंधेया जगतो नाशशीलता। इस विश्व की, ये जगत की और विश्व अंतर्गत जितने पदार्थ हैं, हमारी आसपास जितनी चीजें हैं, इन सब की नाशशीलता प्रत्यहम अनुसंधेया, प्रतिदिन इस नाशशीलता का विचार करना है। जैसे भगवान की भक्ति प्रतिदिन करनी है, भजन प्रतिदिन करना है, भगवान का स्मरण प्रतिदिन करना है, उसी तरह जगत की नाशशीलता का अनुसंधान भी प्रतिदिन होना चाहिए। इससे भजन भी अच्छा होगा और जीवन में उलझने जो आती हैं वह भी कम हो जाएगी। प्रत्यहम अनुसंधेया, प्रतिदिन करना है, समय निकाल कर करना है। ऐसी नाशशीलता भगवत गीता हमें दर्शाती है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः कहकर। देखिए, इस देह को लेकर इस संसार में हम रहते हैं, मित्रों के साथ रहते हैं, संबंधियों के साथ रहते हैं, कार्य करते हैं और कार्य निष्ठा भी होती है, लेकिन इस सनातन सत्य को यदि हम नहीं समझेंगे तो कदाचित छोड़ने में कष्ट होता है। और जब कुछ वियोग होता है, कोई चला जाता है, तो फिर से चिंतित हो जाते हैं। समझ कर रखिए कि मृत्यु अवश्यंभावी, परिवर्तन अवश्यंभावी, इसको दृढ़ करके रखिए। जिंदगी में हजारों का जोड़ा जुड़ा, किसी ने लिखा है, जिंदगी में हजारों का जोड़ा जुड़ा, पर हंस जब उड़ा तो अकेला उड़ा। न वो राजा रहे, न वो रानी रही, कहने को बस एक कहानी रही। सनातन सत्य है। देखिए, कौन राजा आज है, कौन रानी है, सब एक जमीन की धूल बन गए। किसी की मृत्यु होती है तो संस्कृत में कहते हैं पंचत्वम गतः, पंचत्वम गतः, उसकी देह पंचत्व को प्राप्त हो गई। पंचत्व का मतलब क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंचभूत में से यह शरीर बना था। पुनः पंचत्वम गतः, हम कोई साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, हम साथ में अभी बसते हैं, हम साथ में रहते हैं संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ, लेकिन यह सनातन सत्य है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। हम बसे सब साथ बसे, पर चल बसे तो अकेले थे। हम समझे हरदम रहना है, पर यहां मिटने वाले मिले थे। हम समझे हरदम रहना है, पर यहां मिटने वाले मिले थे। हम यहां हरदम नहीं रहेंगे, और यह भगवद गीता हमें समझाती है। संस्कृत के एक सुभाषित में लिखा है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि सखा श्मशाने,
देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, प्राचीन काल में धन का संग्रह सुवर्णादि रूप में होता था, तो उस सुवर्ण को पृथ्वी में रखते थे, मिट्टी में गाड़ कर छिपा कर रखते थे, रक्षा करते थे। यहां समझाते हमें धनानि भूमौ, यह जो धन द्रव्य इत्यादि है वो भूमि में रह जाएगा, आज की भाषा में कहें तो बैंक में रह जाएगा। धनानि भूमौ, उसको छोड़कर जाना है। पशवश्च गोष्ठे, पशुधन भी उस वक्त था, हम पशुपालन करते हैं वो गोष्ठ में जहां पर बांध कर रखते हैं वहीं वहीं रह जाएगा सब। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी, जब किसी की मृत्यु होती है उनकी धर्मपत्नी घर के द्वार तक आ सकती है, और फिर तो उसे श्मशान ले जाते हैं लोग। नारी गृहद्वारी सहा श्मशान तक कौन आते हैं, सखा श्मशाने, मित्र वर्ग जो है कुछ और कुछ संबंधी लोग हैं श्मशान तक आते हैं। अरे इस देह को भी सोचिए, देहश्चितायाम, यह शरीर चिता में चला जाएगा, सब छोड़कर जाना है। यह बताते धन को भी छोड़ना है, पशु को भी छोड़ना है, संबंधियों को छोड़ना है, मित्रों को छोड़ना है, अरे जिसके साथ हम रहते हैं इस काया को भी छोड़ना है। देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। एक जीव आत्मा, जो हमारी आत्मा नित्य है और धर्म का अनुसरण यदि करती है तो परलोक में जाती है, सब कुछ छोड़ना है। जनक राजा की बात हम जानते हैं, हमारे शास्त्रों में जनक राजा का उपाख्यान आता है। जनक विदेही थे लेकिन उनकी कथा बहुत रोमांचक है। जनक तो एक चक्रवर्ती राजा समान थे, सम्राट थे, बहुत बड़ा राज्य का उनका वैभव था, जय जयकार होता था। एक रात्रि में जनक सो रहे थे और उनको स्वप्न आया, और स्वप्न में घटना घटती है, जनक राजा भिखारी हो जाते हैं, घर घर भीख मांगते हैं। एक जगह सदाव्रत चल रहा था, जनक नाम का भिखारी सदाव्रत लेने के लिए जाता है, हाथ में कटोरा भी नहीं है। सदाव्रत देने वाला व्यक्ति कहता है कि जाओ कुछ कटोरा लेके आओ, फिर भिक्षा मिलेगी। यह भिखारी कटोरा ढूंढने के लिए जाता है, कहीं से कटोरा मिट्टी का मिलता है, कटोरा लेकर आता है, कुछ खाने मिलता है, लेकिन खाने जाता है तो कोई पक्षी आकर विक्षेप करता है, जो कुछ मिला सब गिर जाता है। खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलता है, भटकते रहते हैं जनक, भटकते रहते हैं, भिखारी के वेश में भटकते रहते हैं, बहुत पीड़ा प्राप्त करते हैं। ऐसे करते करते समय बीतता है और अचानक नींद उड़ जाती है, आंखें खुल जाती है। राजा जनक का जय हो, राजा जनक का जय हो, जय जयकार सुनाई देता है। हाँ, वह वास्तविक जय जयकार था, जो जनक के सेवक गण थे जय जयकार कर रहे थे, सिपाही जय जयकार कर रहे थे। अब जनक को प्रश्न हो गया, सत्य क्या है? जो स्वप्न में मैं भिखारी था वह सत्य है, या अभी मेरी जय जयकार हो रही है यह सत्य है? क्या सत्य इसमें, मैं सत्य किसको समझूं? मैं अपने आप को राजा समझूं या भिखारी समझूं? पंडितों को पूछने लगते हैं, सत्य क्या है, मुझे सत्य बताइए। घटना किसी को पता नहीं कि राजा को स्वप्न आया, कुछ ठीक से बताए तो पता चलता है। उस वक्त अष्टावक्र नाम के जनक राजा के गुरु हैं, उनको जाकर राजा जनक पूछते हैं यह सत्य है या यह सत्य है? पहले यह से मतलब जो मैंने स्वप्न में देखा वही सत्य है, जो मैं भिखारी था, भीख मांग रहा था, भूखा था, अरे हाथ में सोने के कटोरे की बात कहां, एक मिट्टी का कटोरा भी कहीं और से मिला था, क्या यह परम सत्य है या आज मेरी जय जयकार हो रही है यह परम सत्य है? क्या सत्य है? अष्टावक्र ने ज्ञान दिया,
देखो स्वप्न भी नाशवंत है, कुछ समय के लिए है। हम जो स्वप्न देखते हैं, भगवान हमारे कर्म के अनुसार सृष्टि करते हैं और स्वप्न में हम इस सृष्टि का उपभोग करते हैं। परमात्मा सृष्ट स्वप्न है, वह भी नाशवंत है। हे जनक, आप ही ने तो अनुभव किया कि जैसे ही नींद उड़ गई, स्वप्न चला गया, स्वप्न सृष्टि पूरी हो गई। अब यह भी एक वास्तविक सृष्टि है जो भगवान ने कर्म फल के उपभोग के लिए निर्माण की है, यह भी नाशवंत है। यह भी अनंत काल तक नहीं रहता है, स्वप्न अवस्था में जो देखते हैं वह भी नहीं, और जो जागृत अवस्था में दिखता है वह भी अनंत काल तक कुछ नहीं। दोनों अनित्य, दोनों नाशवंत, तो फिर मोह क्या करना। जनक राजा को ज्ञान हो जाता है, समझ जाते हैं। अष्टावक्र उनके गुरु की कृपा से जनक को साक्षात्कार हो गया, समझ में आ गया कि देखो सब नाशवंत है, तो मोह नहीं करना चाहिए, वैराग्य प्राप्त करना चाहिए, और जो नित्य है, सनातन सत्य तत्व है, उसमें मन लगाना चाहिए, जिसे हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं। फिर जनक राजा की अद्भुत स्थिति हो गई, समझ गए, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो, जो गीता का सिद्धांत है उसको समझ गए जनक। जीते जी मुक्ति अवस्था को पा गए, जीवन मुक्त उनको कहते हैं, जीवन मुक्त, जीते जी जीवन में रहते हुए ही, इस शरीर में रहते हुए भी शरीर के भाव चले गए, जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त हो गए जनक राजा। और उनके लिए कहा जाता था जनक विदेही, जनक विदेही, देह में रहते हुए भी विदेही थे, देह के साथ कोई राग नहीं, देह के साथ ऐसी कोई प्रीति नहीं, कोई वासना नहीं, इसलिए उनको विदेही कहते थे। एक समय की घटना है, जनक को जब लोग विदेही कहकर बुलाते थे तो किसी दो विद्वानों को प्रश्न हो गया, पढ़े लिखे हुए थे, शास्त्र के पंडित थे, विदेही शब्द का अर्थ जानते थे। विदेही शब्द का अर्थ शास्त्रों में ऐसा कहा है कि जब किसी व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद यदि वह ब्रह्मज्ञानी होता है तो उसका देह, उसकी देह यहाँ छूट जाती है, लेकिन उसकी आत्मा देह को छोड़कर अर्ची मार्ग से भगवान के घर पर चली जाती है, उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। उसमें देह को छोड़ देना पड़ता है, विगतः देहः, मृत्यु के बाद ही यह मुक्ति हो सकती है। देह में रहते हुए विदेह किसी को कहा नहीं जा सकता, यह तो पंडित थे, शास्त्र में जैसा लिखा है उसी को मानते थे। जनक को विदेही कहते थे, तो इन पंडितों को प्रश्न हो गया कि जनक को विदेही क्यों कहते हैं। तो किसी ने कहा आप जनक को ही पूछिए। तो दोनों पंडित राजा जनक के पास आते हैं और कहते हैं राजा जी हमें आपको कुछ पूछना है। राजा जनक ने विनम्र भाव से कहा पंडित वर्य पूछिए। पंडितों ने कहा विदेही शब्द का मतलब होता है जब देह छोड़ देते हैं और उसकी मुक्ति होती है तो देह वियुक्त आत्मा को विदेही कहते हैं। जनक ने कहा ठीक है। तो पंडितों ने कहा तो यही तो प्रश्न है, तो आपको लोग विदेही क्यों कहते हैं। राजा जनक मुस्कुराए, कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया इन दोनों विद्वानों को पकड़ लीजिए, जेल में बंद कर दीजिए। दोनों पंडित घबराने लगे, अरे पंडितों का अपमान, हम तो आपको प्रश्न पूछने आए थे, विदेही शब्द का समाधान करने आए थे, आप हमें जेल में बंद कर रहे हैं। हाँ जेल में बंद करो। दोनों पंडितों को जेल में बंद किया जाता है। राजा ने कहा अपने सेवकों से कि देखो दोनों पंडितों का ध्यान रखो, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको जो भी कुछ खाना चाहिए, व्यवस्था चाहिए, सब कुछ ठीक ढंग से करो। राजा के मन में और कुछ विचार चल रहा था दोनों पंडितों की व्यवस्था की,
जेल में तो ले गए, दोनों चिंतित थे कि कहां हमने यह प्रश्न पूछ दिया और आपत्ति आ गई। कुछ समय होने के बाद राजा ने अपने और एक सेवक को भेजा, जाओ दोनों पंडितों को जाकर कहो कल प्रातःकाल सूर्योदय होते ही आप दोनों को फांसी दी जाएगी। सेवकों ने जाकर आदेश सुनाया, दोनों पंडित कंपित हो गए, घबरा गए, फांसी की सजा कल ही सूर्योदय होते ही। सेवक तो आदेश सुनाकर चले गए, दोनों भयभीत हो गए। थोड़ा समय हुआ, राजा ने और सैनिकों को भेजा, सेवकों को भेजा, जाओ दोनों पंडितों की व्यवस्था करो, अच्छा खाना खिलाओ। बढ़िया से खाना पकाया और सेवक लोग लेकर गए, भोजन दिया, नहीं खा पाए। कल मृत्यु है, कल फांसी है, भोजन नहीं करना है। थोड़ा समय हुआ, राजा ने फिर से सेवकों को भेजा और कहा दोनों पंडितों को बुलाइए। आदेश सुनाया सेवकों ने, दोनों पंडितों को बुलाया, दोनों घबराए हुए थे। राजा जनक ने कहा देखो पंडित वर्य, आपको सजा तो देनी है, आपने विचित्र प्रश्न हमें पूछा है, लेकिन यदि इस सजा से मुक्ति पानी हो तो एक उपाय है, हम आपको दो कटोरे देते हैं, दो पात्र देते हैं, दोनों हाथ में आपको लेना है दोनों पंडितों को, और यह पात्र तेल से भरे हुए रहेंगे और उसको लेकर आपको चलना है गांव में, हम जो जिस भी रास्ते से आपको कहें वहां घूमकर आपको यहां वापस आना है, उसमें से यदि एक भी बूंद नीचे गिरेगी तो आपके पीछे ही मेरे सैनिक रहेंगे, आपका सर काट देंगे, और यदि आप सुरक्षित आ जाते हैं, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरती है, तो आप मुक्ति पा सकते हैं, आपको फांसी नहीं दी जाएगी। दोनों पंडित सोचने लगे कि एक और तो मृत्यु निश्चित है फांसी में, कदाचित इसमें बच गए तो बच गए, चलिए करते हैं प्रयोग करते हैं। घबराहट तो थी ही लेकिन मुक्ति की चाहत भी थी, इसलिए उन्होंने इस प्रयोग के लिए अनुमति दे दी। राजा ने दोनों को दोनों हाथ में कटोरी दिए, तेल पात्र हाथ में लेकर दोनों पंडित चल रहे हैं, उनके पीछे तलवार लेकर सैनिक खड़े हैं, सैनिकों की भी नजर तेल पात्र के पर है, एक बूंद भी नीचे गला काट देंगे। अब राजा ने क्या किया, जो रास्ता तय किया गया था जहां से जाकर वापस यहां आना है, तो पूरे रास्ते में अद्भुत आयोजन किया, संगीत का, नृत्य का, खाना पीना, अद्भुत दृश्य नजारे आप देखें तो खुश हो जाए, और एक एक स्थल पर आप खड़े रहें तो आपको आनंद हो, ऐसी सब व्यवस्था करती। इसी रास्ते से गुजरना था इन पंडितों को, चलना शुरू किया और दो कटोरे हाथ में है, उसको देखते देखते दोनों पंडित चल रहे हैं, भगवान की दया से इतनी स्थिरता, इतनी एकाग्रता, ये तो जीवन मरण का प्रश्न था, और दोनों सुरक्षित आ गए, बच गए। और दोनों ने सोचा बस अब तो बच गए, अब यहां से जल्दी निकल जाना है, अब कुछ पूछना नहीं है। जैसे ही आ गए कि अब राजा जी हमें मुक्ति दीजिए, राजा जी ने कहा ठहरो अभी हमें प्रश्न पूछना है। अरे भाई अब क्या प्रश्न पूछना है, राजा ने कहा अब आपको वर्णन करना है, जिस रास्ते से आप गुजरे वहां आपने क्या क्या देखा उसका वर्णन सुनाइए, दोनों को सुनाना है। तो पहले पंडित ने कहा देखो राजा जी, इस रास्ते से जब हम गुजरे हमने क्या क्या देखा, आप मुझे पूछते हो, मैंने केवल ही केवल तैल पात्र देखा है और कुछ नहीं देखा। राजा ने कहा कुछ नहीं, फिर से अब एक बार फिर से जाइए। इस पंडित ने देखा जिस रास्ते से निकले थे, ओहो यहां तो नृत्य है, यहां संगीत है, यहां तो खाना भी है। दूसरे को पूछा आपने क्या देखा,
तैल पात्र ही देखा। राजा ने कहा देखो जिस रास्ते से गुजरे देख लो एक बार, संगीत नृत्य गाना बजाना खाना सब कुछ, तैल पात्र ही दिखा। राजा पूछते हैं इसका रहस्य सुनाइए। अब सब कुछ आसपास था, आवाजें थी, मनोहर आवाजें थी, खाना पीना उसकी सुगंध भी आती है, अच्छा खाना होता है तो उसकी अद्भुत एक सुगंध होती है, हम पहचान जाते क्या खाना बनाया है, अद्भुत चीजें होती है, कुछ पता नहीं चला, इसका रहस्य सुनाइए। तब दोनों पंडितों ने एक जीवन का अनुभव सुनाया कि मृत्यु का अनुसंधान इतना था, जीने की चाहत इतनी थी, लेकिन काल दिख रहा था, पीछे एक तलवार खड़ी है, नंगी तलवार है, एक बूंद भी नीचे गिरेगा तो मर जाएंगे। मृत्यु का अनुसंधान, मृत्यु का इतना अनुसंधान था कि पूरी एकाग्रता तैल पात्र पर बन गई। राजा जनक ने सुनाया देखो पंडित वर्य, हमारे गुरु अष्टावक्र उनकी कृपा से हम प्रतिदिन प्रातः काल उठते ही एक चिंतन होता है, कभी भी काल की तलवार गिर सकती है, मृत्यु कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु हो कृतमस्य नवाकृतम, महाभारत में लिखा गया, मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती, इसने कार्य पूर्ण किया या नहीं किया उठा लेती है, और इसीलिए सतत मैं मृत्यु का अनुसंधान रखता हूं, जीते हुए मरा हुआ हूं मृत्यु के अनुसंधान से। हाँ, पूरा राज्य का कार्यभार लेकर बैठे थे, सब व्यवस्था कर रहे थे, चिंता भी कर रहे थे, लेकिन एक सनातन सत्य को स्वीकारते हुए सब कुछ कार्य किया। दोनों पंडित समझ गए और फिर कहा राजा जनक जी आप सही अर्थ में विदेही हैं। अब तो पंडितों को भी ज्ञान हो गया। कहने का तात्पर्य, जीवन में हमें कुछ सनातन सिद्धांतों को स्वीकारना है, उसमें बहुत से सिद्धांतों में से एक अति महत्व का सिद्धांत जगतः नाशशीलता, संपूर्ण जगत नाशवंत है, यह भगवद गीता का उद्घोष, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, हमारे घर में हमारे कुटुंब में समाज में परिवार में कहीं पर भी कुछ ऐसा कुछ विनष्ट हो जाए, घर में कुछ टूट जाए फूट जाए, इस गीता का सूत्र उसका पाठ कीजिए। हम चीजें लाते हैं बाजार से खरीद कर लाते हैं, पैसा देना पड़ता है, ऐसे मुफ्त में नहीं आता है, फिर भी कुछ टूट जाए, घर में लाया और टूट गया, किसी से गिर गया, गुस्सा मत कीजिए, शांति रखिए, गीता का मंत्र बोलिए, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो, जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश निश्चित, चलो पीछे बाद में विनाश होने ही वाला था, जल्दी हो गया। प्रमुख स्वामी जी कायम हमें यह सिखाते थे गीता का सिद्धांत, जगत को नाशवंत समझिए, और नाशवंत समझकर जगत में होते परिवर्तन को देखकर दुखी मत रहिए, शांति रखिए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान ने एक अद्भुत शरीर दिया है उसका उपयोग अच्छे काम में कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे बहुत से उपदेश हैं, और भी बातें जो कही वह अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।